हमारा बाइबल अध्ययन रहता है। रविवार सुबह की आराधना हमारी 8:30 बजे रहती है, 8:30 से लेकर 10 बजे तक CITS के उस भवन में। आप सब आइए, आपका स्वागत है। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। आधा घंटा है मेरे पास और आइए कुछ देर हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि कोई निकाले भजन 34, उसका 1 से लेकर 2-3 आयत तक कोई पढ़ने में सहायता मदद करे। साम 34:1-3, जिस किसी को मिलता है मेहरबानी करके पढ़ेगा भाई, थोड़ा पढ़ने में सहायता करे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसके ऊपर एक शब्द आया है कि आओ हम यहोवा की बढ़ाई करें, उसकी तारीफ करें। दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन है और इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन पहला शमूएल की पुस्तक उसका 21:22-23 पढ़े तो वहाँ पर में ये उसकी अवस्था हमको मालूम होती है कि ये भजन जो उसने लिखा वो किस अवस्था में लिखा। बहुत ही विपरीत अवस्था थी उसकी, शत्रु उसके पीछे लगा हुआ है, जान का खतरा है, अपनी जान को संभाल रहा है शत्रु से, अकेला है और शत्रु और उसकी सेना उसके पीछे लगी हुई है उसको मारने के लिए। और ये दाऊद तन्हा अकेला इंसान जंगल जंगल और गुफा गुफा में छिपता, अपने आप को छिपा रहा है। उसको जान का खतरा है, वो जानता है शत्रु मेरे पीछे है, मुझे मारना चाहता है, मुझे खत्म करना चाहता है, इसलिए अपनी जान लेकर भाग रहा है शत्रु से। बड़ी विपरीत परिस्थिति है उसके सामने में। सोचिए कि एक राजा और उसकी सारी सेना उसके पीछे लगी हुई है, उसको संभालने वाला, दिलासा देने वाला, उसके साहस को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, अकेला इंसान दौड़ रहा है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा है। वो जानता है कि शत्रु बड़ा ताकतवर है, उसके पास हर प्रकार का साधन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना सब होने के बावजूद भी उसको मालूम था जीवित परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जानता था ये शत्रु ये सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए अभिषेक किया है, मुझे नियुक्त किया है, मुझे चुना है। और उसको ये पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, फिर ये चाहे सेना शत्रु मुझे मारने के लिए आ जाए, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। आप जाकर उस बात को पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल की पुस्तक 20:21-22-23 अध्याय, वहां पर में ये उसका पूरा वृत्तांत दिया गया। जब आप घर में जाओ, जाकर बड़े इत्मीनान से आपको पढ़ो तो ये बात मालूम पड़ेगा। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी वो क्या कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परिस्थिति कैसी है, जंगल में है, गुफा में है, शत्रु उसके पीछे है, शत्रुओं से घिरा हुआ है, मर्मरिंग नहीं कर रहा, कंप्लेन नहीं कर रहा, बुड़बुड़ा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन कह रहा है मैं उसको धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मैं निरंतर करता रहूंगा। कहता है आओ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। मैं आज उस विषय को लेकर आपके सम्मुख में एक क्षण रहूंगा कि यहोवा की परमेश्वर की बढ़ाई करना, प्रेज द लॉर्ड, अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को सराहना, बढ़ाई करने का मतलब है उसकी तारीफ करना,
उसको ऊंचे पर उठाना, उसको महिमा देना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, बढ़ाई करना उसके जो कार्य हमारे जीवन में किए हैं, उस बात के लिए उसको सराहना। कहता है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बढ़ाई करने के विषय में वो क्यों कहता है ऐसा, क्या कारण है? तीन बातें, तीन पॉइंट मैं जल्द से जल्द आपके सम्मुख में रखूंगा, उसमें से और बाहर से कुछ बातों को लाकर आपके सम्मुख में रखूंगा, और ये बताने का प्रयत्न करूंगा, मैं भी अपने आप को समझाने का प्रयत्न करूंगा और आपको भी बताने का प्रयत्न करूंगा कि हमें परमेश्वर की बढ़ाई क्यों करनी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बात के पीछे में कारण है, करनी है हमें, बढ़ाई करनी है दिन प्रतिदिन, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते। प्रेज लॉर्ड, हमको बढ़ाई करनी है, परमेश्वर की सराहना करनी है, बजाय इसके कि हम कंप्लेंट करें, बजाय इसके कि हम शिकायत करें। दाऊद ने नहीं किया, देखिए हम तो अच्छी हालत में हैं, बैठे हुए हैं यहां पर मैं, बढ़िया, खुले आसमान के नीचे कूलर की हवा लग रही है, प्रेज लॉर्ड, लाइटिंग है, सब कुछ है, सारा सब कुछ है, और जंगल में है, सोचिए आप, गुफा में है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, मैं कहां छिपूं, कहां जाऊं, क्या करूं? कहता है मैं यहोवा की बढ़ाई करूंगा, शत्रु मेरे पीछे है, मैं यहोवा की बढ़ाई करूंगा, शत्रु मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं, मैं यहोवा की बढ़ाई करूंगा, मेरे लिए छिपने का स्थान नहीं है, फिर भी मैं यहोवा की बढ़ाई करूंगा। क्यों करूंगा? इसके कुछ कारण दिए गए हैं, कुछ बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। उसकी चौथी आयत पढ़िएगा, चौथी इसका चार, हाँ, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना सुने जाने के कारण, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं यहोवा की बढ़ाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं कहां गया, किसके पास में गया? मैं यहोवा के पास में गया, मैं परमेश्वर के पास में गया और उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब जब मैं यहोवा के पास में गया, मैंने उसकी दोहाई दी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और लिखा हुआ है उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है आपके आसपास के लोग नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो अनदेखा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपकी कोई बातों को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, चिल्लाते हैं, कराते हैं वेदनाओं में, पीड़ाओं में। कई बार आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाता, आपकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता, आपकी वेदना को कोई समझ नहीं पाता, आपके दुख को कोई समझ नहीं पाता। ये तो वही बात हो गई कि उनके आ जाने से चेहरे पर जो आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, हंसते हैं भाई, लेकिन उस हंसी के पीछे में जो दर्द छिपा हुआ वो नहीं देखते हैं। चेहरे के ऊपर में अरे बाप रे बड़ी रौनक है, बड़ा मुस्कुराहट है, लेकिन उसके पीछे का दर्द तो देखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कई बार नहीं समझ पाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अपनी आंखों को फेर लेते हैं, अपने कानों को मोड़ लेते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र कहता है मैं यहोवा के पास गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर प्रकार की परिस्थितियों में हमारी दोहाई सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे शब्दों को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे शब्दों को जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी पहर क्यों ना हो, रात्रि का कोई भी पहर हो, प्रेज द लॉर्ड, जब हम उठकर बैठते हैं उसके पास में जाते हैं, वो उपलब्ध है। लिखा हुआ है भजन 121 में कि इसराइल का रक्षक न तो ऊंघता है और न तो सोता है। प्रेज द लॉर्ड, जब हम सोते हैं उसकी आंखें, प्रेज द लॉर्ड, हमारी ओर लगी रहती है, हमारे बिछोने की चारों ओर लगी रहती है, हमारे परिवार के चारों ओर लगी रहती है, हमारे जीवन के चारों ओर लगी रहती है, और हम बड़े सुकून के साथ में सोते हैं, आराम करते हैं। हमारा परमेश्वर देखता रहता है, हमारा परमेश्वर हमें
संभालता रहता है, हमारी रक्षा और रखवाली करता रहता है। भजन यिर्मयाह के 33:3 में लिखा हुआ है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इधर उधर मत जा। जब तेरे ऊपर में मुसीबत आ रही है, संकट आ रहे हैं, प्रश्न समस्या आ रही है, वो परमेश्वर का वचन आज शाम आपसे और मुझसे कहता है कि तू मुझे पुकार। जितनी बुलंद आवाज के साथ मुझे पुकार सकता है पुकार, दिल की गहराई से पुकार। प्रेज द लॉर्ड, पूरे मन के साथ में पुकार करता है, मैं तेरी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रतिज्ञा दे रहा है, मैं तेरी अनसुनी नहीं करूंगा, तेरी सुनूंगा, लेकिन तू मुझे पुकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और किस समय पुकारे, पढ़िएगा भजन 91 उसका 5, 91 उसका 5 पढ़िएगा। तू न रात के भय से डरे, भजन 91 उसका 5 उसका 15 उसका 15 जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब संकट में है, किस अवस्था में, जब संकट में है तब हमें पुकारना है। प्रेज द लॉर्ड, बैठ कर आंसू नहीं बहाना, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। परमेश्वर कह रहा है संकट के समय, प्रेज द लॉर्ड, यदि अगर वो मुझको पुकारेगा मैं उसे बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, संकट के समय हमें परमेश्वर को पुकारना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब संकटें हमारे जीवन में आ जाती हैं, हमारे पास एक स्थान है, हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो हमको बचाने के लिए सक्षम है, योग्य है, काबिल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता मैं बचाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, यशया 58:9 पढ़िएगा। यशया 58:9 तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, और यहोवा उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हाँ, तू दोहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। धर्मी जन, प्रेज द लॉर्ड, जब पुकारेगा कह रहा है मैं उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं उत्तर दूंगा। परमेश्वर का वचन, तू मुझे पुकारेगा, मैं उत्तर दूंगा, तू दोहाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, कहने का तात्पर्य है, बाइबल हमें बार बार इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब हम संकट में है, विपरीत परिस्थिति में है, और उस अवस्था में, प्रेज द लॉर्ड, हमें अपने परमेश्वर को पुकारना है। लेकिन परमेश्वर का वचन उससे आगे बढ़कर भी एक बहुत सी बात कहता है। जब मैं पढ़ रहा था, इसको मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, मैं बड़ा आनंदित हो रहा था। यशया उसका 65वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको बताऊं, आप पढ़ोगे तो आप भी बड़े खुश हो जाओगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है। 65:24 यशया 65, हाँ, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, उनके पुकारने से पहले आवाज नहीं निकल रही, क्या करूं, इतना दब गया हूं, इतना संकट में आ गया हूं, मेरी आत्मा इतनी दब गई है, मेरी आत्मा इतनी व्याकुल हो रही है, आवाज नहीं निकल रही। कहता है चिंता मत कर, मुझे मालूम है तेरे मांगने से पहले मैं तेरी आवश्यकताओं को जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है मांगने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। अरे तेरा मांगना तो बहुत दूर का रह गया, उत्तर तेरे झोली में आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यह है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, मांगते भी नहीं है, खामोश है, समझ नहीं आ रहा है, जबान साथ नहीं दे रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्या करूं। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, मैंने देख लिया तेरी अवस्था, मैंने जान लिया तेरी जरूरत क्या है, और मैंने उससे पहले ही मैंने उत्तर दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, जो मांगने से पहले, हालेलुया, हमको देता है। और भजन 6:9 में लिखा हुआ है,
कि उसने हमारा गिड़गिड़ाना सुन लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िएगा छे का नौ, भजन छे उसका नौ। यहोवा ने हाँ मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। बस यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर चिल्लाना, रोना, आंसू बहाना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मदा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गिड़गिड़ाना सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कई बार सुन नहीं पाएंगे, हमारे मित्र कई बार सुन नहीं पाएंगे, हमारे कलीसिया के लोग कई बार सुन नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे परिवार के लोग सुन नहीं पाएंगे, हमारे मित्र कभी सुन नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर मैं बैठे हुए हर एक व्यक्ति के पास में गवाही है। मैं आपको बताऊँ, हर एक व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो इस गवाही देगा खड़े होकर कि मैंने एक समय था जब मैंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति मैं आपको बताऊं यहां पर मैं नहीं है जो ये कहेगा कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को नहीं सुना। इसलिए क्या, आओ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों बढ़ाई करो? क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। हमारे पास कारण है उसकी बढ़ाई करने का। दाऊद देखिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कह रहा है, वो दूसरों को भी बुला रहा है, आओ, अरे मैं अकेला नहीं, आओ तुम भी आओ मेरे साथ और आकर यहोवा की बढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के पास में गया और उसने मेरी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सुंदर, एक एक साहस देने वाला, हमारे अंदर में एक साहस बढ़ाने वाला प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन है कि हम इस बात को जान पाते हैं कि जब कोई नहीं है तब परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब सारे द्वार बंद है तब परमेश्वर है, जब सब तरफ में अंधेरा है तब परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हमारे साथ में कोई नहीं है, जब हम अकेले हैं, तब कौन है? परमेश्वर, हालेलुया, हमारे साथ में है। क्योंकि मैं यहोवा के पास में गया, उसने मेरी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे पास में कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी दुहाई को सुना, हमारे गिड़गिड़ाहट को उसने सुना। मैंने अपने जीवन में इन 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 वर्षों में मैंने एक बात अवश्य सीखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि अगर किसी व्यक्ति के आगे में रोओगे आप शर्मिंदा हो जाओगे, लेकिन आप परमेश्वर के सामने में रोओगे आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पासवान भी कहते हैं ना, यदि अगर आपने परमेश्वर के सामने झुकना सीख लिया फिर आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा हमारा स्थान है प्रेज़ द लॉर्ड जहां पर में हमको करेज मिलता है, हिम्मत मिलता है, हियाव मिलता है, साहस मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना बार बार ऐसे परमेश्वर के पास हम जाए और जब जाने की बात कहे, आओ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करें। दूसरी बात, समय बढ़ रहा है, आगे चलता हूँ। दूसरी बात, भजन 121 उसका 5 पढ़िएगा, या वो भजन 34 का 7 पहले पढ़िए। भजन 34 उसका 7। हाँ, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर हाँ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात क्या, यहोवा परमेश्वर की सुरक्षा के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बीते दिनों में हम जानते हैं रिजरेक्शन डे में श्रीलंका में क्या हुआ, वो फुटेज देख रहे थे, एक व्यक्ति पीछे में एक बड़ा बैग बांधे हुए कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है और बातचीत करने के बाद में धीरे धीरे वो बता रहा है कि वो धीरे धीरे वो कलीसिया के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा कलीसिया भरी हुई है, जाम पैक है बैठा हुआ, और वो सामने के रो में धीरे धीरे वहाँ से जाता है, जाकर बैठता है, और जैसे ही बैठता है वहाँ पर में एक धमाका हो जाता है, न जाने कितने लोग उसमें मारे गए।
पूरा दिखा रहे थे वहां पर, उस सीन देखकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ में खून फैला हुआ था, कोई बेंच पे ऐसा पड़ा हुआ है तो कोई बेंच के नीचे में, बड़ी अजीब सी अवस्था में, बड़ा अजीब सा माहौल था। रुदन, रोना, चीख और पुकार, हर तरफ में पूरा छत दिखाई दे रहे थे, जैसे उड़ गई वो इतना बड़ा चर्च। मैं सोचता उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने वो बम अपने साथ में रखा, मानव बम। मैं सोचता कीमा बन गया होगा उसका पूरा, पता ही नहीं चला होगा चिथड़े कहां चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनसे अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, आप हालेलुया बोल सकते हैं, हाथ उठा कर हालेलुया आप अनुभव कीजिए। हमारे यहाँ पर मैं होशंगाबाद में ड्यूटी में जाने वाले और न जाने किन किन स्थानों में जाने वाले हैं, सुबह घर से निकलते हैं प्रेज द लॉर्ड ये प्रार्थना करके, प्रभु मैं जा रहा हूँ मुझे संभालना, और प्रभु उनको सलामती के साथ लेके जाता है और फिर शाम को सलामती के साथ में लेकर आता है। आओ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, क्योंकि मैं सुबह गया था शाम को सुरक्षित अपने घर वापस आ गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। ओ हालेलुया, उनका परमेश्वर का दूत उनको छावनी किए हुए क्या करता है, बचाता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और भजन 121 के 5 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 121 के 5 में, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, यहोवा तेरा रक्षक है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, जब यहोवा मेरा रक्षक है, जब यहोवा आपका रक्षक है, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से एक सक्षम है। आठवीं आयत में क्या लिखा हुआ है, भजन 121 के 8वीं आयत में, यहोवा हाँ तेरे आने जाने में हाँ तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, जब हमारे बच्चे लोग जब सफर करते हैं, यात्रा में जाते हैं, भले चाहे वो नजदीक की यात्रा हो, चाहे वो दूर की यात्रा हो, चाहे वो 2 घंटे की यात्रा हो, चाहे वो 24 घंटे की यात्रा हो, माता पिता बैठकर दुआ करते, प्रभु मेरे बेटी को संभालना, प्रभु मेरे बेटे को संभालना, वो यात्रा में है, वो अभी जा रहा है, जा रही है, उसको सलामती के साथ पहुंचाना, प्रभु कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी ना होने पाए। जब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता या पहुंच पाती, और जब तक उसका फोन नहीं आता, माता पिता बेचैन रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और जब उनका फोन आ जाता है, जैसे मानो कि एक बड़ा बोझ सर्किट पर में था उतर गया, और फिर उनके चेहरे पर देखिया क्या खुशी आती है, क्या आनंद आता है, मेरा बेटा सलामती के साथ पहुंच गया, मेरी बेटी सलामती के साथ पहुंच गई, फिर बड़े सुकून के साथ में सो जाते हैं। यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सदा तेरी रक्षा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, एक प्रॉमिस प्रेज द लॉर्ड प्रभु ने हमको दिया है, और इसलिए दाऊद कहता है भजन 23 की 4 में, यद्यपि मैं उस घोर अंधकार से भरे हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्यों, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, तेरी सुरक्षा मेरे साथ में रहती है, तेरी उपस्थिति मेरे साथ में रहती है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये अंधकार मुझे डरा नहीं सकता, ये मौत मुझे डरा नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, ये संसार मुझे डरा नहीं सकता, हे परमेश्वर तू मेरे साथ में है, मेरा पूरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मेरी सुरक्षा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेरे साथ में है। समय बढ़ता जा रहा है, एक अंतिम पॉइंट कहकर मैं समाप्त करूंगा। आओ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, क्यों, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी रक्षा रखवाली की है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर मेरा रक्षक है। और तीसरी बात पढ़िएगा भजन 127 उसका 3, देखो हाँ लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, प्रेज द लॉर्ड, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर की बहुमूल्य आशीषों के लिए प्रेज द लॉर्ड, मैं बहुमूल्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संतान ये सबसे बहुमूल्य आशीष है। मैं आपको बताऊं फिर से एक बार, इसके आगे हमारे भारत का जो कोहिनूर गुरा था ना, वो भी कोई मायने नहीं रखता, उससे बढ़कर है प्रेज द लॉर्ड। एक माता पिता के लिए अगर 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 पूछे माता पिता के लिए, वो कहेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए एक बड़े आशीष का कारण है, वे मेरे सर का मुकुट है, वे मेरा गर्व है, मेरा गरूर है। प्रेज द लॉर्ड, जब अपने बच्चों को देखते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बड़े खुश हो जाते हैं, वो ऐसी आशीष है जो सबसे ऊपर है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और ये आशीष
परमेश्वर ने दी, कहां दी? अदन की वाटिका में। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब उसके सामने खड़े थे, परमेश्वर उनको देख रहा था और देखकर बड़ा खुश हो रहा था। पहली शादी, आदम और हवा एक सूत्र में बंध रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उनको एक सूत्र में बांध रहा था। स्वर्ग की सारी सेना वहां पर में उपस्थित थी आदम की वाटिका में, और क्या समारोह चल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पासवान बनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, शादी दे रहा था, शादी की रस्म हो रही थी, और उस शादी की रस्म में वहां पर में स्वयं परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या आशीष दी? फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आशीष अभी तक चली आ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, और चलती रहेगी जब तक ये संसार रहेगा, ये कायनात रहेगी, ये आशीष चलती रहेगी, ये परमेश्वर की आशीष है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष, उन आशीषों के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं क्या करूंगा? यहोवा की बढ़ाई करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संतान की आशीष दी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना से जाकर पूछो, सब कुछ था उसके पास में, उसका पति भी कितना प्रेम करता था उससे, उसके घर में सुख संपन्नता थी, सब बातें थी, कोई कमी नहीं थी उसके पास में, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी थी उसके पास में, संतान नहीं थी। और क्या बताती है बाइबल हमको? वो बड़ी दुखी रहा करती थी, बड़ी उदास रहा करती थी, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसका पति पूछता है, क्या हुआ, तुम खाना क्यों खाती है, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है, तू दुखी क्यों है, क्या मैं उन 10 संतानों से बढ़कर तेरे लिए नहीं हूं, क्या मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं, क्या मैं तेरी सुधि नहीं लेता हूं, क्या मैं तेरी चिंता नहीं करता हूं, क्या मैं तेरी फिक्र नहीं करता हूं। ऑफकोर्स वह अपने पति के प्रेम और उसके फिक्र चिंता की कद्र करती थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी उसके जीवन में, संतान नहीं थी। परमेश्वर के डेवड़ी पर गई, परमेश्वर के भवन में गई, और जाकर उसने अपना पूरा दिल उंधेल कर रख दिया। और जब उसने बड़ी गहराई के साथ में, दिल की गहराई के साथ में, वेदना के साथ में, जब उसने प्रार्थना की, उसको पुकारा परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसको वहां पर में आशीष दी, प्रेसरा ले लिया, एक बालक उसको दिया, जो इसराइल का पहला नबी बना, उम्दा व्यक्ति शमूएल, प्रेज़ द लॉर्ड, शमूएल, ये आशीष, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने संतान की आशीष के साथ साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी दी है, प्रेज़ द लॉर्ड, माता पिता को कुछ जिम्मेदारियां दी गई। कौन सी जिम्मेदारी है? पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। पहली बात हम पुराने नियम से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नए नियम से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 1-9 तक थोड़ा भाई पढ़ने में सहायता कीजिए, हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और जिम्मेदारी है। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और 1-9 तक, जो माता पिता बन गए हैं और विशेष करके जो माता पिता बनने जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनके लिए भी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये चेतावनी यहां पर में दी गई है परमेश्वर के वचन से। हाँ, पढ़िएगा। वहां आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने का को पा जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इसराइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम बहुत हो जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। हे इसराइल, सुन यहोवा हमारा परमेश्वर है,
यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। सातवीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। और तू इन्हें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर, समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, घर में बैठे मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते लेटते उठते, लेटते और उठते इनकी चर्चा किया करना, ओ इनकी चर्चा किया करना, हाँ, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, हाँ, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, हाँ, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक माता पिता की जिम्मेदारी परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया। चर्चा करना, अपने घर में बैठते चलते फिरते मार्ग में उठते बैठते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनकी चर्चा करना, किसकी चर्चा करना? परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के व्यवस्था की, परमेश्वर के नियम की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्चा किया करना, अपने बच्चों से बातचीत करते रहना, उन्हें बताते रहना, उन्हें सिखाते रहना, उन्हें समझाते रहना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इफिसियों की पत्री में पौलुस छठवां अध्याय और 1-4 में बच्चों के लिए और माता पिता के लिए दोनों के लिए ये बातें वहां पर में लिख रहा है कि हे बालको अपने माता की, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनका सम्मान करो। और वहां पर लिखा हुआ है उन बच्चों के लिए कि जब तुम उनका आदर और सम्मान करते हो तो तुम्हारा भला होता है और तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होती है। और माता पिता के लिए पौलुस ये कह रहा है कि उन्हें रीस न दिलाओ, लेकिन प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में उनका पालन और पोषण करो। देखो लड़के वाले यहोवा के दिए हुए भाग है, लेकिन उसके साथ साथ में बच्चों के लिए और माता पिता के लिए परमेश्वर के वचन में एक जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, लेकिन आशीषों को तो हम याद करते हैं, है ना। हमारे घर में संतान हुई, बड़े खुश होते हैं, सबको बताते हैं, सबको बुलाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है उस महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं। वो क्या है? परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने बच्चों को देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों देना? क्योंकि ये बहुमूल्य है, ये अनमोल है, ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु का दान है, सर्वोत्तम दान जो प्रभु ने माता पिता को दिया है। इससे बढ़कर और कोई दान नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की आशीषों का एक भाग, परमेश्वर की योजना का एक भाग, आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की बढ़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक बना हुआ है। तीसरी बात, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। और क्या चाहिए? पर मुझे क्या करना है? क्या करना है मुझे? बोलिए ना, क्या करना है? अब मुझे परमेश्वर की बढ़ाई करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर की सराहना करनी है, मुझे परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे आशीष दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बढ़ाई के योग्य है, तारीफ के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है। आओ हम यहोवा परमेश्वर की बढ़ाई करें और हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने सर को झुकाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर के उन महान कार्यों को हम अपने जीवन में स्मरण करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। अब हमारे लिए सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है, और वो काम है यहोवा की बढ़ाई हमारे जीवन के द्वारा हमें करते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए।
वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे वार्तालाप किया है, हमसे बातचीत किया है। प्रभु ये वचन यहाँ पर मैं बैठे हुए प्रत्येक लोगों के लिए प्रभु एक आशीष का कारण ठहरने पाए, विशेष करके प्रभु जी पास्टर फेलिक्स उनके परिवार के लिए, भाई रॉनी उनके परिवार के लिए, भाई रूबन उनके परिवार के लिए, और विशेष करके प्रभु जी सहरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक वर्ष से तूने उसके जीवन में जोड़ दिया है, प्रभु जी इस बालिका को तू अपने हाथ में ले, अपने आशीषों से परिपूर्ण कर, तेरे अनुग्रह में, तेरे आशीष में, तेरे बुद्धि में, तेरे ढील दौड़ में प्रभु जी उसका जीवन बढ़ने पाए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु वो एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। यहाँ पर मैं बैठे हुए सबों को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं, सबों को बड़ी बरकत और आशीष के नाम से कहते हैं कि केक कटिंग भी होने वाली है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा कि केक लाया जाए और